बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त हम मौजूद हैं जी अपने अड्डे की एक दुकान पे। तो यहाँ पे हम आइसक्रीम बनाना सीखेंगे पुराने तरीके से। जब बिजली वगैरह नहीं हुआ करती थी तो किस तरह से आइसक्रीम बनाई जाती थी, जो कि कौन जो होती है उसमें आइसक्रीम के तौर पर इस्तेमाल होती है और बलूचे में टोए के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब डाल दीजिए। चाचू जान जो हैं, जिनकी ये दुकान है, वो बर्फ़ लेने गए हुए हैं। जैसे ही बर्फ़ लेके आते हैं और फिर हम ये वीडियो शुरू करते हैं। ये आज वो मशीन ये पड़ी हुई है, और ये जिसमें के ये आइसक्रीम तैयार होती है। और मेरा छोटा भाई सुबह से यहाँ पे डेरे डाल के बैठा हुआ है। और दूसरी जानिब हमारी नहर जो है वो सूख चुकी है। ये देखिए पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ये देखिए जी, थोड़ा थोड़ा पानी नहर में जा रहा है, ज़्यादा खुश्क हो गया पानी। चाचू जान बर्फ़ ले आए हैं, तो अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब भी हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। कितने किलो चीनी है? 1 किलो। 1 किलो चीनी जी हमने इसमें डाली है। दूध कितना है? 4 किलो दूध में 1 किलो चीनी मिक्स करेंगे। और इसमें अब बर्फ ही डाल रहे हैं। खोए को ना बेहतरीन बनाने के लिए इसमें चाचू जान ने बर्फ़ी डाल दी है। अब जी इसमें दूध डाल रहे हैं। यदि दूध जिसमें चीनी वगैरह मिक्स किया है, अब इस सांचे में डाला जा रहा है, जिसको के घुमाने से ना खोया या आइसक्रीम जो आप कह सकते हैं बन जाती है। इसमें जनाब खोया और गिरियां और हर चीज़ डाली हुई है, बर्फ़ी भी डाली है आपके सामने। अब जी ये मशीन इसके ऊपर फिट की जा रही है, जिसको मूव किया जाएगा। मशीन को नीचे वाला जो सांचा ना, इसके साथ वो मूव किया जाएगा। ये ऐसे ऐसे बेहतरीन ऐसे कर जान बर्फ़ ले आए हैं, जो कि इसमें अब हम डालेंगे। इसमें फलूदे वाली सेवैयाँ हैं, इनमें बर्फ़ डाल के ना इनको ठंडा किया जा रहा है। इसकी साइडों को अच्छी तरह बर्फ़ के साथ भर दिया जाता है। अब जी इसको आस्ता आस्ता से मूव करने का अमल शुरू हो गया है, जो कि भाई मेरा मूव कर रहा है। ये अमल काफ़ी देर तक जारी रहेगा। ये इधर पाओ। अब जी इसकी साइडों पे ना नमक डाल दिया गया है। ये देखें चाचू जान और भी नमक डाल रहे हैं। इससे ये है कि बर्फ़ जो है ना वो कम पिघलेगी। माशाल्लाह जी, अब इसको ना काफ़ी देर तक मूव करना पड़ेगा, फिर चल के इसमें जो है ना वो खोया जाएगा। बहुत अच्छी था। माशाल्लाह जी, खोया जम चुका है और अब चाचू जान जो है ना वो मशीन खोलने लगे हैं। अब जी बर्फ़ का जो पानी बचा था नीचे, वो निकाला जा रहा है। अब जी डंडे के साथ अच्छी तरह से ना बर्फ़ को इसकी तह तक प्रेस कर दिया जाता है, ताकि ज़्यादा देर तक ये ठंडा रहे।
इतना ही। अब जी आखिरी तह जो है ना वो बर्फ की वो लगाई जा रही है। यहाँ पे जी फलूदे वाली सवैयाँ जो हैं वो ठंडी हो रही हैं माशाल्लाह। ये जो इसमें मशीन थी अब इसको बाहर निकाला जा रहा है, ये रेडी टू सेल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा बन चुका है, ये बहुत अच्छा है इस वक्त। और अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो अपने घर पर बनाएं और टेस्ट करें और हमें बताएं कमेंट्स में कि कैसा है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी आने वाली सारी वीडियो टोटली देखा करें, वीडियो को स्किप मत किया करें।